बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आज की वीडियो में। और आज है हमारे जी एसजे गोल्ड फार्म की वीकली अपडेट, जिसमें हम लोग इन्हें लेके जाते हैं कौन कौन सी न्यू एंट्रीज होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, क्या क्या सूरत हाल, क्या क्या कंडीशन जो हैं वो एक्टिव हुई होती हैं बकरों की, वो सारी आपसे शेयर करते हैं। तो फिलवक भाई माशाल्लाह देख सकते हैं, ये जो है पांडा, इसका नाम रखा है। ओए इधर आ गुलाबो, इधर आया तू भी। ये न्यू है और बाकी सारे अंदर ही हैं अभी, मेरे डर की वजह रुके हुए हैं। सिर्फ राजू बांधा हुआ है, बाकी इनको राजू को खोलते हैं और इन सबको नीचे की तरफ भेजते हैं। तो ये नए हैं, कोशिश करेंगे कि पहले वो जाएं और फिर ताकि इनके साथ जाएं। ये शोर क्यों मचा रहा है सुबह सुबह, मल्ले वाले क्या कहेंगे, इधर चल मनूसा आदमी, तुझे नहीं पता फैमिली एरिया, चल 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 चलें जी। इनको मैं एक मरतबा राजू को खोल लूँ और ये सफाई वगैरह कर लूँ, फिर इनको लेके चलते हैं। चलो 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 चलो, उतरो वन बाय वन, वन बाय वन। तुम दोनों ने भी साथ जाना है, अच्छा रंगबाजी ना करना। सुल्तान आगे से वाइट वाले का कान पकड़ ले, उतरी जाएंगे जरा जल्दी। चलो ए, तुम भी। फाइनली पता नहीं क्यों शोर मचा रहे हैं, मुझे ये जंगली टाइप बकरे लगते हैं। सारे चुप करके जा रहे हैं बट ये जो है ना शोर पे शोर, इनको शोर मचाने की पता नहीं क्या जरूरत पड़ी हुई है बट आई डोंट नो। चलो जाने दो, हे चलो। वो अजीब ही बकरा है ये वाला, जो घर में भी अजीब बोलता रहेगा। सदके वाले बकरे नहीं होते जैसे, कोई वापस नहीं जाना। फाइनली आ गए, ओए हो मस्जिद में ना जाए। ओए यह रंगीले जी, आज इनका फर्स्ट डे है इसलिए ये जो इतना शोर, भाई ये हमेशा शोर ही मचाएंगे। अगर ये इनके साथ ही नहीं जा सकते ना तो फिर ये शोर ही मचाएंगे। अजीब सदके वाले टाइप नहीं होते। कितों आ गए तुसी, आज ये सारे इस तरफ हैं क्योंकि इस तरफ वो परिंदों का ये देखें दाना पड़ा हुआ है, तो इसलिए इनको आज इधर ही रोकना पड़ा बड़ी मुश्किल से। पर ये जो है ना ये बहुत शैतान है, यकीन माने हद ख़त्म हो जाए इंसान की। दे वो कहते ना छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तो हमारे पास ये मसाल सच है। छोटे तो छोटे, बड़े सारे जो है वो भी उनके उस्ताद हैं। शुक्र है इनका वॉल्यूम बंद हुआ क्योंकि फर्स्ट डे था आई थिंक, इसलिए इन्होंने इतना वॉल्यूम खोला हुआ था। मगर ये है कि अल्लाह पाक बेहतरी का मामला फरमाएगा। हम सिर्फ इन्हें घुमाने लेके आते हैं, ना कि इनको कुछ खिलाने के लिए। माशाल्लाह वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ होती है, मगर वीक में टू डेज़ जो है इनके फाइनल है सैटरडे संडे, तो बट कोशिश करते हैं कि टू डे लाजमी हो, नहीं तो वन डे तो मस्ट है कि इनको संडे वाले दिन जो हम लोग लाजिम बाहर लेके आते हैं। सो आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी कि खिलाना पिलाना ज़रूरी नहीं है। वो देखे वो वहाँ से बाहर चला गया ना, चिट्टे चल अंदर ऐसे यहाँ पे खेलो। इतनी बड़ी ग्राउंड है, पता नहीं ये लोग क्यों साइडों पे भाग भाग के जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है, बट इनको चाहिए साइडों पे खेलना। अच्छा जी पांडो की जोड़ी है हमारे पास, ठीक है पांडा वन पांडा टू, तो ये दो हैं बड़े अजीब हैं। रियल लोग आजकल दाना बड़ा डालते हैं और फिर कहते हैं क्या करें। ये है पांडा वन, ये जो सामने है ये वाला, ठीक है वो है पांडा टू, और इन दोनों का हमने नाम रखा है अली भाई यूके वाले, उनके कहने पे उनको ये कलर बहुत पसंद आया था। बेसिकली उन्होंने पांडा किसी और के लिए रिकमेंड किया, मगर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये कलर भी उनको पसंद आएगा। उनके जो मैंने रिक्वायरमेंट अभी तक नोट की है सेम उस मुताबिक ही है और माशाल्लाह। तो आज ये एक उनको नया मिल गई ये जगह, तो ये खाते नहीं है, खैर खट्टी के पौधे हैं ये, इतने ज़्यादा इनसे खाए भी नहीं जाते, जस्ट वैसे ही हल्का से एक आधी बाइट लेंगे। तो ये शतूत वगैरह जो लगा हुआ है बीच में उसको ये लोग बड़े शौक से खाते हैं, बाकी
ये कौन सा पौधा है इसका मुझे नहीं पता, ये जो अभी खा रहे हैं। खैर जहरीला नहीं है क्योंकि जहरीला बोलो सोसाइटी में नहीं होता। बाकी वो उधर दाना खा रहे हैं, ये इधर पत्ते खा रहे हैं। घर की कोई लकड़ी ऐसी नहीं जो इन्होंने नहीं छोड़ी भाई। इधर अब ये देख लें इतनी ज़्यादा शतूत की लकड़ी है, इनको चाहिए कि इधर अपना वो दांत को शार्प करें ना, मगर जो बांस जो रस्सी में बांधो ये जनाब सारे उसको काट के उस पर अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं करते पता नहीं क्यों। खैर इनको चाहिए तो है एक्टिविटी वहाँ पर करें, बट इनका फोक जो है वो इनका इंतज़ार कर रहे क्योंकि रंगीले ने खुरली ख़राब कर दी थी। रंगीले की एक बड़ी बुरी आदत है खाने पीने के बाद ये जंप करके बीच में जाके यूरिन और वहाँ पे ही मेंगने कर देता है, जिससे जानवर बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो अभी इसको वॉश करेंगे, वॉश करके देन इनको प्रोवाइड करेंगे खाने के लिए जो भी करना हुआ। ओए वापस आ, काश इतने तो मेरे फरमा बरदार हो, मैं आवाज़ मारूँ तुम लोग ऐसे वापस आ जाओ, बट हो नहीं सकता। खा लो खा लो खा लो जल्दी से खा लो। इंशाल्लाह अब आ गया नेक्स्ट मोड पे। अच्छा जी यहाँ पे कोशिश करता हूँ आप लोगों को वन बाय वन सबसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए और सबकी प्रोग्रेस आपको दिखाई जाए। फिलवक जो है इनको रोकना ही मेरे लिए एक टास्क है यहाँ पे। हाँ लेकिन जी सबसे पहले है हमारा गुलाबी, क्योंकि इसके ओनर हैं उन्होंने ही नाम रखा हुआ है गुलाबी। उनके पास एक बकरा था गुलाबी तो वो था। इसको रिसेंटली पिछले वीक आप लोगों को पता है कि बुखार हो गया था, फीवर हो गया था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं ये पहले से हेल्दी एंड एक्टिव है। और मर्ज़ी का मालिक है जी, खाता पीता बहुत कम है ये भी। और इसके साथ एक और उसकी तरफ भी चलते हैं। तो ये फर्स्ट डे इनके ओनर ने बता दिया था कि यार ये उस तरह नहीं खाते जिस तरह बाकी खाते हैं, तो सो आप परेशान ना होइएगा कि यार ये इतना खा पी क्यों नहीं रहे। इसके साथ ही अगर आप लोग देखें तो शेरा माशाल्लाह शेरा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। शेरे के इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह शेरा और मक्खी चीना दोनों ही साथ खड़े हैं और साथ ही बराबर में बहुत प्यारी ग्रोथ कर रहे हैं और खाने पीने में दोनों एक्टिव। आज बेसिकली इंशाल्लाह आज मैंने दिया है, अगर आप लोग व्लॉग देखें शरोजर व्लॉग तो कौन कौन सा मसाला इनके लिए बनवाया है तो वो वहाँ पे दिया है, तो मसाले से आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम मसाले में डालते हैं। तो लें जी माशाल्लाह शेरे की ग्रोथ भी चेक कर सकते हैं। सुबह निहार पेट मॉर्निंग की वीडियोज़ होती है मेरी कुछ भी इनको डाले बगैर। तो उसके बाद अगर बात कर लें तो मक्खी चीना इस तरफ है, मक्खी ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। गुलाबी जो है उसकी भी कंडीशन आप लोग देखें और ये जो मक्खी चीना है मक्खी चीने की भी कंडीशन अगर आप लोग देखें तो माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव, किसी किस्म की कोई भी इसमें अभी तक एब वेल नहीं आ रहा माशाल्लाह, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। चल भी तू भी अब साइड पे हो जा, तेरा भी हो गया। और बात कर ले पांडा की माशाल्लाह, पांडा वन पांडा टू जो हैं बहुत ही अच्छे बहुत ही ज़बरदस्त। और गुलाबो वो आपके सामने, सॉरी लाडो आपके सामने माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर। इधर इधर सोने आप लोगों ने इस तरफ जाना, ये न्यू एंट्री है जी हमारी, नवीद भाई टाउनशिप वाले हैं तो ये उनके हैं और माशाल्लाह चीज़ चेक कर सकते हैं आप लोग दोनों ही एक जैसे बढ़कर एक। इनकी एज जो है 6 माह है, उन्होंने कहा हुआ इनको खसी कराने का मगर अभी टाइम नहीं लग रहा तो इंशाल्लाह इनको खसी करा देंगे। हैं तो ये 2 साल का शौक वाले बट उन्होंने इस सीज़न ही इनको ईद पर ही करना है, तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग। और अगर बात करें इस तरफ उसके बाद रह गया जी हमारा कल्लू बादशाह, तो कल्लू बादशाह देख सकते हैं इस टाइम लाडो के पास है और खा पी रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर कहिएगा कल्लू बादशाह इज़ वेल नाउ, पहले से माशाल्लाह बहुत बेहतर। और जो आपको बताया था चिट्टे के साथ नखरे वाला, तो वो हमारा कल्लू बादशाह ही है क्योंकि कल्लू बादशाह जो है वो इतनी ख़ास खुराक नहीं लेता, इसको खुराक देने के लिए बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है और बड़ी देर बाद जाके खुराक लेते हैं। अब आगे जी हमारा रंगीला ऑलरेडी हमारे सामने है, तो माशाल्लाह भाई हमेशा की तरह मोस्ट ऑफ द फेवरेट ही रहा है सबका ही और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए रंगीला। और इसकी आदत का आपको बता चुका हूँ, सुबह इसकी वजह ही इनको फोक नहीं डाला, नहीं तो मैं फोक डाल के ही इनको लेके आता हूँ। और आज मुझे लगा है कि खाली पेट लाने का कोई तो फ़ायदा हो रहा है, कम अज़ कम ये झाड़ भूस ये इधर उधर की चीज़ें थोड़ी बहुत खा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर रंगीले, और बट ये तुम्हारे नसीब में है, एक मरतबा तुम्हें मिलेगी घर चल के ज़रा सर्विस तुम्हारी ज़रूर होगी, उसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। तो सेकंड थिंग माशाल्लाह देख सकते हैं किधर गया डोलू, हाँ वो रहा वो पांडो को तंग करता रहा बोलू, और डोलू किधर, डोलू की खैर है बोलू की आपको करवा दूँ। अच्छा जी बोलू अगर आप लोग बात कर लें तो माशाल्लाह बोलू इज़ वेल नाउ, पहले से बहुत बेहतर। और ज़ीरो साइज़ का टैडा है, बहुत ज़्यादा डिमांड्स आती हैं, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि शरोज भाई क्या आपने टैडे सेल आउट करने हैं, नहीं भाई हमारे टैडे फॉर नॉट फॉर सेल हैं, ये दोनों ही हमने कुर्बानी के लिए छोड़े हुए हैं। मेरा तो 12 रबीउल के लिए है और इनका कुर्बानी के लिए नीयत की हुई है, नीयत से मुराद की इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने तोड़ चढ़ाया तो इनके हमने यही करना है। तो माशाल्लाह चीज़ें चेक कर सकते हैं आप लोग, आपके सामने हैं
और गुलाबों ओवर आप लोगों को पता ही ओवरऑल सबको, और परी माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, परी इस टाइम फुल गुस्से में देखती हुई किसी को ऐसे जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, परी को क्या मिल गया क्या नहीं। ये लें जी इनकी जंपे चेक कर लें जनाब की। चलो उस तरफ ही रहो, इधर ना आओ, अभी खेलो तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, पूरे अपने टाइम के हिसाब से ही तुम लोग वापस जाओगे, चाहे इधर खाओ इधर खाओ, मुझे कोई इस चीज़ से टेंशन नहीं है, बट ये खा पी रहे हैं। तो खैर भाई परी पे थे हम लोग, परी की और गुलाबों की भी आपको डिटेल दे दी। उसके बाद ये आ रहा है बोलू, चेक करें डोलू सॉरी, और माशाल्लाह राजू जो है आगे से थोड़ा सा वीक हुआ, बट आई डोंट नो क्यों हुआ, आज इसको चेक करेंगे इंशाल्लाह कि इसकी भी चीज़ समझ में आए वीक होने की क्या रीज़न थी। और जमजम आपके सामने है माशाल्लाह, जमजम भी आ चुकी है। अभी अगर नहीं कोई हमारे साथ सर्वाइव कर पा रहा तो जस्ट पांडे, क्योंकि आज इनका फर्स्ट डे है, थोड़ा सा इनको लेके ज़रा मैं मुश्किल में पड़ा हूँ, मगर ये है कि अगर आप लोग इन बाकियों को देखें तो ये जंपे जुम्पे मार रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो बस इधर ही अब इनको खिलाना है थोड़ी देर। ये देखें माशाल्लाह वन बाय वन फिर इनको लेके जाना। परी भी आज माशाल्लाह एक्टिव हुई हुई है बहुत ज़बरदस्त। ओए चलो उधर लें जी, इनको भी बस घर लेके जाना है, और बाकी रूटीन इंशाल्लाह आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगी। ये थी आज की हमारी अपडेट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजिम करिएगा वीडियो का, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़ दुआओं में याद रखिएगा।